हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे प्रेसमैन एडवर्टाइजिंग लिमिटेड के बारे में। प्रेसमैन एडवर्टाइजिंग के शेयर को क्या हुआ है, कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि प्रेसमैन एडवर्टाइजमेंट का शेयर अचानक गायब क्यों हो गया, क्या हुआ उसके अंदर। ये बताने के पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए मंडे के लिए जैकपॉट शेयर, जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। और अगर आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम मैनेज करे, जो कि राइट टाइम पे एंट्री करती है, राइट टाइम पे एग्जिट करती है और आपके पोर्टफोलियो में रखती है प्रॉफिट में, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, जो कि आपको एडवांस में कोई भी पेमेंट देना नहीं है। जो भी प्रॉफिट आता है उसका कुछ परसेंटेज आपको हमें देना है प्रॉफिट आने के बाद। फ्रेंड्स, प्रेसमैन एडवर्टाइजिंग ये जो कंपनी है, ये अचानक गायब हो गई पोर्टफोलियो में से। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, प्रेसमैन एडवर्टाइजिंग लिमिटेड को ESM स्टेज 2 में डाल दिया गया है। इसमें डालने का मतलब ये है कि ये शेयर सिर्फ मंडे टू मंडे ट्रेड होगा, मतलब आपको मंडे को ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा, उसमें आप बाय सेल कर सकते हो। फिर से मंगलवार से लेके शुक्रवार तक ये शेयर आपको आपके पोर्टफोलियो में फिर से गायब होते हुए दिखेगा। इसका सर्किट लिमिट भी कर दिया है 2%, 2% ही इसका सर्किट लिमिट रहने वाला है। तो जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनको मेरा रिक्वेस्ट और सजेशन यही है कि हालांकि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, बट ये ESM स्टेज 2 में जाने के कारण इसमें से आपने एग्जिट कर दिया तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हफ्ते में एक ही बार ट्रेड होगा तो कोई मतलब नहीं आएगा, आपका पैसा फंसा रहेगा इसके अंदर। तो ESM स्टेज 2 में डालने के कारण इसको सेबी ने ESM स्टेज 2 में डाल दिया है, और इसीलिए ये सिर्फ मंडे को ही ट्रेड होगा, हफ्ते में एक ही बार ट्रेड होगा, बाकी दिन ट्रेड नहीं होगा। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको एग्जिट करना है कि होल्ड करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।